कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त है लेकिन बड़े खतरनाक आदमी है। मैंने बोला पीके भाई मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उसे ऐसी कौन सी चीज दूं कि वो खुश हो जाए, पहले मेरा मोबाइल नंबर दे दो। मैं समझ गया भाई ये खतरनाक आदमी है, इनसे इनसे दूर ही रहना है। और लेकिन ये कोई भी खतरनाक नहीं, एक बार जोरदार ताली बजाओ। अच्छा जब से मोबाइल आ गया ना आदमी झूठ बोलने लगा है, बहुत झूठ बोलने लगा है। फोन करो कहाँ हूँ, मीटिंग में हूँ, पता चला बेडरूम में हूँ, बॉस बगल में। एक मेरा दोस्त से उसे पैसे उधार ले लिया, जब भी फोन करो कहाँ हूँ, सिंगापुर में हूँ, कहाँ हूँ, बांग्लादेश हूँ, नेपाल हूँ। एक दिन फोन किया कहाँ हूँ, मैं दुबई हूँ, मैं उसके घर के बाहर ही था। मैंने कहा बात निकल, बुर्ज खलीफा के बाहर से खड़ा हूँ, दौड़ा भी मारूंगा मैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है आदमी पकड़ में आ जाता है। आज जैसे हम दोनों पकड़ में आ गए हैं। और सर सचमुच बहुत अच्छा लगा, मैं आया आप लोगों के बीच में, कई अचानक से बोले सुनील भाई आना है। अच्छा होता क्या है ना, मैं फ्लाइट से आ रहा था, हमको पता है अपनी किस्मत के बारे में, जैसे आप लोगों को पता है ना कि ये मेरा इतने मंथली इतना इनकम होगा, फिर एनुअल इतना आएगा, अपना टर्म वो होता है, आप लोगों के टारगेट होते हैं। ऐसे सर अपने को भी पता है, हम कॉमेडियनों को अपने को पता है कि अपनी किस्मत कैसी है। मैं जब फ्लाइट से आ रहा था ना, तो मेरे बगल में ना सर एकदम विंडो सीट पे दीपिका पादुकोण बैठने वाली थी। जैसे ही बैठी मैंने बोला मैडम उठिए आपकी सीट नहीं है। अरे बोली बैठे तो आपको क्या लेना देना, मैंने नहीं आपकी सीट नहीं, उठिए उठिए उठिए। एयर होस्टेस आई, उसने चेक किया, बोले हाँ मैडम आपकी नहीं, आपकी आगे बिजनेस क्लास है, आप गलती से इधर बैठ गई। तो एयर होस्टेस ने बोला आपको कैसे पता कि इनकी सीट यहाँ नहीं है। मैं बोला मुझे सिर्फ अपनी किस्मत के बारे में पता है, मुझे मालूम है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। और सचमुच वही हुआ, मेरे बगल में धार्मिक चाचा बैठ गए, एकदम मोटे तगड़े बैठ गए। और जैसी थोड़ी सी फ्लाइट हिलती फीकी थी, जोर से बोलते हरि बोल आत्मा अमर है, फिर फ्लाइट हिलती हरि बोल आत्मा अमर है, हरि बोल आत्मा अमर है। बगल में कड़का साथ भी बैठा था, बोले चाचा बार बार आत्मा का नाम मत लो, दो बार हमारी आत्मा हमको निकल के देख चुकी है। वो